अपने आप को। हमारी डिमांड्स की कुछ वैल्यू ही नहीं। देख लेंगे हम सब लोग मिलकर इसको। हम लोगों ने जो सोचा वही हुआ। प्रिंसिपल ने हमारी बात नहीं मानी, मगर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आप लोगों को मालूम है हमारे कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई है। इसे कम करने के बारे में हमारे प्रिंसिपल साहब से आधा घंटे बहस हुई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं वाइस चांसलर से बात करनी होगी। ये सब बहाने हैं। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा। फिर हम कॉलेज में तोड़फोड़ मचा देंगे। नहीं है, मैं तुम लोगों की लीडर हूँ। अगर प्रिंसिपल साहब ने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अभी इसी वक्त अपने आप को जलाकर राख कर डालूंगी। राजेश, पेट्रोल लाओ। प्रिंसिपल साहब, जिंदाबाद। रंजन दूरी, जिंदाबाद। प्रिंसिपल साहब, जिंदाबाद। शराब। कॉलेज की फीस क्या थोड़ी बढ़ गई? आप लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये पाउडर जो आपने लगा रखा है ना, इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। ये लिपस्टिक जो आपने पोत रखी है ना, इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। तब हंगामा क्यों नहीं खड़ा किया आप लोगों ने? हाय, स्टूडेंट और विद्यार्थी कहलाते हैं आप लोग। विद्यार्थी वो होते हैं जो विद्या का अर्थ निकालते हैं, मगर आप लोग तो विद्या की अर्थ ही निकाल रहे हैं। मुझे तुम नहीं जानते मैं किसकी बेटी हूँ। तुम भी नहीं जानती कि मैं किस किस्म का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं तुम्हारा ट्रांसफर हफ्तों में यूं करवा सकती हूँ। मैं भी तुम्हारा दिमाग मिनटों में ठीक कर सकता हूँ। तुम ये मत भूलो कि मैं होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। तुम भी मत भूलो कि मुझे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई अपना बड़े आदमी से रिश्ता बताकर मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश करता है, समझे तुम? नंदू भैया, बचाओ ना, डरपोक कहीं का आया माँ। अरे सिद्धार्थ, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे इसे। नारायण नारायण नारायण, भाई बहन के बीच में महाभारत या हैरत? अरे मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। छोड़ दो। तुम जानती हो उसने कॉलेज में क्या बदमाशी की? इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगी तो क्या संन्यास ले लेगी? तुम इसे बिगाड़ दोगी आया माँ। टिकट न दे इसे। आप अगर तुमने उसे छुआ भी ना तो बहुत मार खाएगा। आपने कभी मारा है इसको? हाँ, बचपन में बहुत मारा है। मैं एक बात बोलूं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब आपने न कभी उसको डांटा है न कभी मारा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। सचमुच ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती थी आखिर मैं आप भैया का ही साथ देने वाली हैं। नारायण नारायण, ये तो बहुत गर्म है। मगर ये बताइए मंत्री जी कहाँ हैं? वो बाजार गए हैं। बाजार गए? पिए यहाँ खड़ा, वो बाजार गए? मैं भी आता हूँ। अरे सुनो। क्या? ये ग्लास ले दो, पहले बहुत से ग्लास चोरी हो चुके हैं। तो सब मैंने थोड़ी चुराए हैं। अरे सर जी, सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया। देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है सर। हाँ। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ। नारायण नारायण, नहीं नहीं सर, नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी फिर। मैं तो अपने गार्डन में घास छीलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा सर। थोड़ा कमाना था ना सर। ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना। अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशूका गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना, तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता है, देख जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ। अरे मालिक सर, मैं ये नहीं कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उगी नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए। तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं मिला, मजा नहीं आएगी। देखो गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है। क्या बात करते? हाँ। अरे सर, हे
अच्छा हुआ कि कपाली को अब तक होश नहीं आया। जब तक उसे मौत नहीं आती, उसके होश में आने का चांस बाकी है। जेनी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आज इस शहर में एक खास प्रोग्राम है, फिलहाल तो तुम इसे देखो।